और समा परवीन के साथ साथ जितने भी हमारे बहने इस वक्त हमारे मंच पर हमारा साथ देने के लिए अपने समय को निकाला, मैं तमाम लोगों को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सबों को सलाम करता हूं, जोहार करता हूं। आज विषय यह नहीं है कि मैं किसी को सुनने आया हूं, विषय यह है कि हमारे पास वक्त नहीं है। आज हमें अफसोस लगता है कि हमारी बहनें मंच पर हैं लेकिन हमारे भाई कहां है, यह चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि ये 11,000-12,000 वाली आबादी सिर्फ दस्तरखान तक सीमित रह गया है, यही सच्चाई है। आप यही सच्चाई है, ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमारी बहनों ने तलवार उठाने का निर्णय लिया है, हमारी बहनों ने समाज की पीड़ा को अपने कंधों के ऊपर उठाने का एक निर्णय लिया है। मैं मुबारकबाद दूंगा, मैं खुशामदीद करूंगा, मैं इनको बधाई देना चाहूंगा। ये कोई नई बहन नहीं है, देश की आजादी की यदि आप बात करोगे तो आबादी बेगम बानो का भी आपने नाम सुना है, बीबी अमानत अमातत सलाम का भी आपने नाम सुना है, बेगम हजरत महल का भी आपने नाम सुना होगा। ये हमारी बहनें थी जिन्होंने फिरंगियों के साथ में फिरंगियों को भगाने का इन्होंने निर्णय लिया था और देश की आजादी में अपने योगदान को देने का काम किया था। ये आश्चर्य वाली बात नहीं है और आश्चर्यचकित वाली बात नहीं कि आज बुरखा लगाकर हमारी बहनें हमारे साथ में मंच पर है, नहीं। इतिहास पढ़िए, क्योंकि लगातार मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हम लगातार गांव के गलियों तक अपनी आवाज को और झारखंडियत की बात को पहुंचाने के लिए, झारखंडियत के पैगाम को पहुंचाने के लिए लगातार संघर्षरत हैं। और हम लोगों को क्या आवश्यकता पड़ गया कि इस माटी की सुरक्षा के लिए, अपने सूबे झारखंड के लिए अपने घर से निकलकर पूरे झारखंड का भ्रमण हमने किया है और अभी भी कर रहा हूं। इसी क्रम में आपके बीच में आना हुआ, मुझे कोई शौक नहीं लगा है, मैं भी कमा सकता था, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, कहीं पर रोजी रोजगार कर सकता था, लेकिन आज अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि केंद्र में सरकार तो बनती है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र में हमारे झारखंड में सरकार बनती है झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन की, लेकिन जब नित्य नियम की बात आती है तो ये लोग पीछे हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी हम करेंगे, समय आने दीजिए। 70 वर्षों से हमने सिर्फ वोट दिया है, 70 वर्षों से हम सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं। हम चाचा की उम्र में हम भी पहुंच जाएंगे, हमारी भी दाढ़ी सफेद हो जाएगी, लेकिन उस वक्त मुझे पछतावा नहीं होगा कि जब झारखंड में एक हथियार की लड़ाई लड़ी जा रही थी, अपने परिचय को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त मैं घर में बिरयानी खा रहा था, मुझे इसका फिक्र, इसका पछतावा मुझे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं इस आंदोलन में कूदा हूं, मैं कल रहूं चाहे नहीं रहूं, मेरा विचार आप लोगों के बीच में रहेगा, पूरे प्रदेश में मेरा विचार गया है। आप दुआ देने का काम करेंगे, इंशाअल्लाह ताला इतिहास रचने के लिए आपका बेटा तैयार हो गया है, दुआ देने का काम करेंगे। आज हमारे नौजवान तबके के लोग फखरुद्दीन, जलालुद्दीन, नसरुद्दीन, मोहम्मद, ये कहां चले गए? ये पूरा झारखंड प्रदेश 55 लाख मुसलमानों की आबादी है, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपका रहनुमा कितना है, मुझे बताइए कि आपका लीडर कितना है, मुझे बताइए कि आपकी अगुवाई करने वाला, आपका बात को रखने वाला पटल पर कितना लोग है, मुझे बताइए। नहीं है मेरे भाई, नहीं है। हम जुमे में तकरीर तो सुनते हैं लेकिन जुमे की तकलीर जुमा तक ही सीमित रह जाता है, हम घर तक लेकर नहीं आते हैं उस पैगाम को। मुझे बताइए, नमाज बेशक फर्ज है, नमाज की माफी नहीं है, मैं भी जानता हूं और हमारे लोग भी जानते हैं, लेकिन मुझे बताइए आप कि हमारे इस्लाम में सिर्फ नमाज पढ़ने तक का ही जिक्र है क्या? मुझे बताइए, नहीं है। आप उलमाओं से पूछ लीजिएगा, आलिम से, आलिमों के सोहबत में कभी रहे, इंशाअल्लाह मैं आपका दुआ लेकर चला हूं, आलिमों के सोहबत में हमेशा रहता हूं। आप कभी दरियाफ्त करिएगा उनसे, कभी पूछ लीजिएगा कि हजरत उमर फारूक के दौर को पढ़ लीजिएगा, हजरत अली के दौर को पढ़िएगा,
बताइएगा, आज तो हम बड़े ठाट बाट में रहते हैं, हर जुमा के दिन में बिरयानी और मुर्गा मुसल्लम की तैयारी होती है, हमारी बहने किचन में मसरूफ हो जाती है, मशगूल हो जाती है, लेकिन अफसोस के साथ इस बात होता है कि आप समाज की आबादी लाख है, लेकिन जब झारखंड के परिचय की लड़ाई लड़ी जा रही है उस वक्त आपका परिचय बहुत कम है, बहुत आपका जो आपकी जो उपस्थिति होनी चाहिए, आपकी जो हाजिरी होनी चाहिए वो बहुत कम दिखती है। यही अफसोस के साथ कहना पड़ता है। क्यों कहना पड़ता? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। हम लोगों को फिक्र ही नहीं है कि हमें समाज में करना क्या है, हमें समाज में करना क्या है ये मुझे पता ही नहीं है। ना तो हमारे गार्जियन इस पर बात करते हैं, नहीं करते, ये सच है। और मैं हक बात कहने के लिए मैं शाहू की परवाह नहीं करता हूं, ये मेरा परिचय है। मैंने लड़ाई लड़ा, मैं अपने लोगों के बीच में गया और लगातार 2 वर्षों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि हम लोग किस विषय पर आंदोलन कर रहे हैं, नहीं मालूम है। हो सके हमारी बहनों को मालूम होगा, कुछ कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ को नहीं होगा। आजाद के बीच में आया हूं, इंशाल्लाह फिर आऊंगा, हयात रह गई, जिंदगी रह गई तो इंशाल्लाह आपके बीच में फिर आऊंगा, दुआ देने का काम करेंगे। हमने 2 वर्ष पहले की बात मैं मुख्तसर में कर देना चाहता हूं कि 2 वर्ष पहले ये झारखंड राज्य जो कई शहादत के बाद में 88,000 शहादत देने के बाद में इस राज्य की तस्वीर की मिली है हमें। 2 वर्ष पहले बाहरी भाषाओं को आपके बीच में लागू करने का एक षड्यंत्र रचा गया, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान हेमंत सोरेन और उनके पूरे मंत्रिमंडल और उनकी पूरी टीम के द्वारा, मगही, भोजपुरी, अंगिका और ये तमाम भाषाओं को झारखंड प्रदेश में कंपलसरी करने का प्रयास किया गया। हम लोगों ने इस पर विचार किया, धनबाद की धरती से, बोकारो की धरती से कुछ लोग आए, कुछ स्टूडेंट्स आए, कुछ छात्र आए और हम लोगों ने विचार किया कि झारखंड हमारा है, इस जमीन पर, इस झारखंड की माटी में हमारे वीरों ने शहादत दिया है, यह भाषा होगा तो नौ जनजातीय भाषा होगा, झारखंडी भाषा होगा, क्योंकि हम मूलवासी है, यहाँ के आदिवासी है, हम लोग इस पर विश्वास नहीं, हम लोग इस पर मोहर नहीं लगने देंगे। अंत में हम लोगों ने निर्णय लिया, पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ और मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 1932 गैर संवैधानिक है, यह लागू नहीं हो सकता है। हम लोगों ने कहा कि लागू तो हर हाल में होगा, या तो आप रहेंगे या हम रहेंगे, ये तय झारखंड प्रदेश के लोग करेंगे, आवाम करेंगे। हम लोगों ने मेहनत किया और ऐतिहासिक कार्यक्रम को मानव श्रृंखला के रूप में हम लोग नगेन मोड़ बोकारो से लेकर धनबाद के बिरसा, धनबाद के विनोद बिहारी महतो महुता तक हम लोगों ने मानव श्रृंखला लगाकर 3.5 लाख से 4 लाख के मजमे को एकत्रित किया और मुख्यमंत्री को सीधे चेता दिया कि ये मुख्यमंत्री महोदय, यदि शिवू सोरेन ने अपने आप को योगदान दिया है इस प्रदेश में तो शिवू सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी ये अंधविश्वास ना पाले कि यहाँ आंदोलन नहीं हो सकता है, ये शहीदों की धरती रही है, ये शहीदों का प्रदेश रहा है, आंदोलन हमारे रग रग में है, आंदोलन हमारे खून में बहता है, हर हाल में आंदोलन होगा और फिर से उद्यान लाएंगे और उस प्रदेश को सींचने का काम करेंगे, उस झारखंड को संवारने का काम करेंगे जिस झारखंड का सपना कभी शहीद सुनील महतो ने देखा करता था, कभी शहीद सत्यनाथ महतो ने देखा किया था, कुतुबुद्दीन अंसारी ने देखा था, प्रोफेसर अबू तालिब अंसारी ने देखा था। झारखंड को बिकने नहीं देंगे, झारखंड को लुकने नहीं देंगे, आंदोलन होगा। एक पीढ़ी ने गोली खाया है, दूसरा पीढ़ी फिर से गोली खाएगा, लेकिन प्रदेश को बिकने नहीं देंगे। हमारी आवाज सीधे कराची तक पहुंची और अंत में इस भाषण पर विराम लगाया गया और कहा है हेमंत सोरेन ने कहा फिर से कि हमारी पहचान 1932 का हथियार, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जब हम लोग एकत्रित हो गए, जब हम लोगों ने चट्टानी एकता का परिचय दिया तब हेमंत सोरेन जी झुक गए। किसान बिल आया था, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, किसान बिल में आप बिरयानी खा रहे थे और पंजाब के किसान जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे।
आप कब आओगे सामने? ये कौम मुश्किल बन चुका है, ये मुसलमान कौम। हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारे इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा है कि जब लड़ाई लड़ी जा रही हो अपने हक के, अपने हुकूक की लड़ाई लड़ी जा रही हो, जब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही हो, चाहे देश में रहते हो चाहे प्रदेश में रहते हो, मुसलमानों को चाहिए जंग में आकर अपने योगदान को देने का काम करे। आज हमारा समाज यानी तक हमारा समाज दस्तरखान तक सीमित हो गया है, यही अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आप कब चलोगे मेरे भाई? हमारे लोगों को मॉब लिंचिंग के द्वारा मार दिया जाता है, आपका एक रहनुमा कमजोर हो चुके हो, हकीकत यही है। आपने सारे दारो मदार आप सीधे कह दिए हैं जो होगा अल्लाह मालिक है। नहीं, आप इस सरजमीन पर आए हैं तो बिरयानी खाने के लिए नहीं आए हैं मेरे भाई, दस्तरखान सजाने के लिए नहीं आए हैं। चिंता करना होगा आपको, समाज कैसे बेहतर होगा, आवाम कैसे बेहतर होगा, और आपके पीछे जो जनसैलाब आने वाला है, आपके पीछे जो फ्यूचर आने वाला है, जो मुस्तकबिल आने वाला है, उस मुस्तकबिल का चिंता कौन करेगा मुझे बताइए? आप बताइए मुझे आप उसकी चिंता कौन करेगा? अगर चिंता नहीं होगी तो हजरत उमर फारूक नहीं आते, खिलाफत का दौर नहीं आता। पढ़ लीजिएगा इतिहास को, हमने पढ़ना छोड़ दिया है। हकीकत यही है कि कुरान यदि निकलता है तो रमजान में निकलता है, यही दुर्भाग्य का विषय है, यही अफसोस का विषय है। आज एक सूरह मुकम्मल पढ़ जाते याद नहीं होगा, आप पूछो कि सूरह नाज मुझे सुनाओ, नहीं मालूम। अपने सवाल में पूछिए आयतल कुर्सी पढ़कर सुना दीजिए, नहीं मालूम। हम पान खाकर बिजी रहते हैं, एक शब्द याद नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका इसलिए इस बात को कहकर जाएंगे जिनमें हमने कहा था कि हश्र की भाषा नहीं लिखी है ना ही गजल सुनाता हूं, हश्र की भाषा नहीं लिखी है ना ही गजल सुनाता हूं, और कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूं, और राज मेरा चल रहा है, आग लगी है सीने में, भूख मरा सब व्यस्त दिखे हैं, खून गरीब का पीने में, तो हिंदू या मुस्लिम का पक्ष लाया हूँ, घायल झारखंड चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ, चीख सुनाने आया। अच्छा लगता है, अफसोस लगता है कि हम सियासी मामलों में बात नहीं करते हैं। आपको बताते चले कम समय में कि जिस लोकतंत्र में हम रहते हैं, ये लोकतंत्र आपका अधिकार है, आपको अधिकार दिया है कि आप इस कार्यक्रम में आए, लोकतंत्र में आपको अधिकार दिया है कि आप राजनीतिक में आए, पॉलिटिकल्स करें, बेहतर राजनीति के लिए आए, सियासत करें। आपके इस्लाम में भी है भाई, हमारे इस्लाम में भी है, लेकिन आज हम महरूम, हमें पढ़ने का अवसर ही नहीं, हमारे पास पढ़ने का मौका ही नहीं है। हमारे नौजवान दिग्भ्रमित हो चुके हैं, हमारे मुस्लिम कौम दिग्भ्रमित हो चुका है, उनको अपने घर से फुर्सत नहीं है, अपने आप से फुर्सत नहीं है। हम जब इंतकाल हो जाएंगे, जब इस दुनिया से चले जाएंगे मेरे भाई, ना तो हमने दीन बनाया ना तो दुनिया बनाया, ऊपर में क्या हिसाब देंगे? कभी नहीं सोचा हमने, अल्लाह का शुक्र है मैं मदरसे का भी तालीम हासिल किया हूँ, स्कूली शिक्षा भी प्राप्त किया हूँ रांची यूनिवर्सिटी से। आपकी दुआ है आगे भी बेहतर करूंगा इंशाअल्लाह ताला, आप दुआ देने का काम करें, लेकिन चिंता लेकर चला हूं कि हमारे कौम का क्या होगा। अभी समा बहन कह रही थी कि हम लोग भी भूखे प्यासे हैं, बिल्कुल। आप नबियों के दौर को पढ़िएगा, पेट पर पत्थर बांधकर इस्लाम के दावत के लिए निकलते थे, समाज की बेहतरी के लिए निकलते थे। उन्होंने कहा था कि जब आपका पड़ोसी भूखा हो, आप जब बिरयानी खा रहे हो या मुर्गा मुसल्लम खा रहे हो, तो खाने से पहले, आने से कबल आप पहले देखिए कि आपका पड़ोसी खाया है कि नहीं खाया। उसमें पड़ोसी का जिक्र है, ये नहीं कहा गया है कि मुसलमान भूखा है या हिंदू भूखा है, नहीं। उसमें कहा गया है कि आपका पड़ोसी यदि भूखा हो तो वो खाना, वो लुकमा आपका हराम होगा। ये इस्लाम की तरबियत है, ये आपका इस्लाम कहता है। लेकिन अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि हमारे लोगों को मार दिया जाता है, आपके बीच में एक भी रहनुमा सामने नहीं आता है। क्यों आएगा भाई? वो जानता है कि इस कौम के पास निर्णय नहीं है, इस कौम के पास डिसीजन नहीं है। अभी आ रहे हैं इलेक्शन,
में इलेक्शन आएगा, कुछ लोग आएंगे आपके बीच में और कहेंगे कि मैं आपका हितैषी हूं। उसमें हो सके आपका संजय सेठ जी भी आएंगे, आपके लोकसभा के सांसद हैं। आए हैं क्या कभी यहां पे? आए हैं? नहीं आए हैं? डरिए मत, बाहर का है वो, हरियाणा का है, और आपने उनको चुनकर दिल्ली भेज दिया। यही विषय है लड़ाई हमारी, संवैधानिक रूप से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि आखिर ये प्रदेश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है तो अधिकार किसको मिलना चाहिए? हरियाणा वालों को, पंजाब वालों को, दिल्ली वालों को? क्या नहीं, ये प्रदेश आपका है तो आप बैठिए चाचा, बैठ जाइए, बैठिए। नहीं बैठ के तो आज हम लोग ये हाल में आ गए। बैठिए बैठिए, अभी बहुत लंबा चौड़ा ईशा करेंगे इंशाल्लाह, बस 10 मिनट रुकेंगे मगरिब में, फिर ईशा तक बात होगी। सिर्फ नाद सुन लेने से, मुशायरा सुन लेने से, जलसों में चलने से बदलाव नहीं होगा इंशाल्लाह। आप चुनेंगे और इस बार यहां से अहद लेकर जाएंगे कि अपने रहनुमा को चुनेंगे इंशाल्लाह। चुनेंगे कि नहीं चाचा? इंशाल्लाह दुआ देंगे आप, है ना? ये चाचा से मुखातिब है, आप बात बोलिए, तहरीमा नहीं बांधना है। यही तहरीमा बांध के समाज को चौपट कर दिया हम लोगों। आज बहुत लोग हमसे गुस्सा भी होंगे कि कोई रिजवान बोल के लड़का आया था धनबाद से, बड़ा बड़ा एकदम मुफ्ती टाइप का भाषण देकर चला गया। कहेंगे, मैं बधाई देना चाहूंगा महतो समाज के भाइयों को, आज शहीदों की सूची में सबसे ज्यादा नाम यदि झारखंड प्रदेश में आता है तो महतो और आदिवासियों का नाम आता है। क्यों आता? क्योंकि आपके पास वक्त नहीं, अरे मोरे दिए हैं तब, यही लोग को मरने दो। नहीं, वो मरते नहीं है, कल कयामत तक वो जीवित रहते हैं, वो शहीद कहलाते हैं। वो मरते नहीं है, शेख भिखारी हमेशा अमर रहेंगे। अंग्रेजों से लड़के टूटू बालू में अपने शहादत को दे दिया रांची में, कल कयामत तक उसके नाम को जिंदा हम लोग रखेंगे। देखेंगे सबसे पहला तस्वीर उसी का, उन्हीं की सबसे पहली तस्वीर है शेख भिखारी की। कभी आपने सोचा कि शेख भिखारी के जैसा हम भी लड़ाई लड़े देश की आजादी में? भगत सिंह ने यदि अपनी कुर्बानी को दिया है तो अशफाक उल्ला खान ने भी अपनी कुर्बानी को दिया। देश की आजादी में यदि सुभाष चंद्र बोस ने अपने बलिदान को दिया है, महात्मा गांधी ने अपने बलिदान को दिया है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी अपनी कुर्बानी को दिया है। इसे झुठलाया और भुलाया नहीं जा सकता है। इस राज्य के विभाजन में आपका कितना योगदान है मुझे बताइए थोड़ा। आज फिर से एक बार लड़ाई छिड़ी है, जिसको हम खतियान की लड़ाई कहते हैं। ये खतियान की लड़ाई में भी बता देना चाहूंगा कि महतो समाज के लोगों ने अग्रिम भूमिका दिखाया है, अपने आप को बताया है कि हम शहीद की धरती से संबंध रखते हैं, शहीदों वाली धरती से हम ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं। फिर से एक बार शहीद सुनील महतो जैसा कुर्बानी देना पड़े तो महतो समाज की बेटियां तैयार हो गई है, महतो समाज के भाई तैयार हो गए हैं, कफन बांध कर निकला है। और खुशी की बात है कि उनके टोले में रिजवान क्रांतिकारी रिजवान अंसारी भी चला है, ये सब खुशी की बात है। आज हमारा दिन कहां होता है, रात कहां होता है, मुझे खुद भी नहीं मालूम, हमें नहीं पता रहता है। लेकिन हमने कहा है कि मैं कल रहूं चाहे नहीं रहूं, ये प्रदेश रहेगा और इस प्रदेश में निवास करने वाले सवा 3 करोड़ जनमानस रहेंगे, लेकिन विचारधारा के साथ में आप हमेशा कायम रहेंगे। आप जहां रहिए इंशाअल्लाह ताला अपने अहद पर रहेंगे, अपने तादाद पर रहेंगे, लेकिन उसी तादाद को आप आंदोलन में शरीक करेंगे तो आपका चांद चौगुना होगा। लोग कहेंगे कि मुस्लिम मर के लोगों ने भी अपनी भागीदारी इस आंदोलन में देने का काम किया है। आज मुझे बताइए कि यदि 1932 खतियान हमें मिलता है और खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति मिलेगा तो केवल महतो समाज के लोग अपना भागीदारी दे देंगे क्या? महतो समाज के लोगों को नौकरी मिलेगा क्या? आप खतियानी नहीं है क्या? आप भी खतियानी है तो केवल मजा लेने के लिए मत रहिए चचा। कि कैसे कहता उसको कि खट मरे मुर्गा बिलाय खाए अंडा, वो सब कहानी नहीं। आप भी आएंगे, कुछ कुछ लोग आ गए हैं, हजारों की संख्या में मुसलमान इस आंदोलन में, उस तहरीर में हमारे साथ चल रहे हैं, आपसे निवेदन करने आए हैं। जमशेदपुर और इस पूरे कोल्हान प्रमंडल में हम जाएंगे, हर जगह जा रहे हैं, कपाली में भी आए हैं, और दुआ देने का काम करें और साथ चलने का काम करें।
कि जिस तरह से देश की आजादी में हमारे उलमाओं ने, हमारे उलमाओं ने अपने शहादत को दिया है, इस बार आप भी इंशाल्लाह तैयारी करें कि हम कार्यक्रम में आएंगे। हम आएंगे और बेहतर रूप से लड़ाई लड़ेंगे और तरुण मातों का साथ इस आंदोलन में देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? इंशाल्लाह हाथ उठाकर बोले, इसलिए कि आज अपनी बहनों को मैं देखा हूं तो दिल बागबा हो गया। मुझे मालूम है कि जमशेदपुर से कोई निकले चाहे नहीं निकले, और उनका पूरा टीम हमारे साथ में चलेगा इंशाल्लाह ताला। ये विश्वास है। ये राज 88,000 शहादत के बाद इस प्रदेश का तस्वीर बना। हमने कहा शुरुआती दौर में कि आप कब बोलना सीखे, आप कब लड़ना सीखोगे, आप कब पढ़ना सीखोगे, नबी आएंगे क्या? चचा नबी आएंगे? खिलाफत का दौर आएगा क्या? हजरत उमर फारूक आएंगे क्या? नहीं आएंगे। उस्मान नहीं आएंगे, उमर फारूक नहीं आएंगे, अर्तगुल गाजी, अरे बप्पा अर्तगुल गाजी पर बड़ी जोर चला था। लोग अर्तगुल गाजी में इतना मशगूल हो गए कि रमजान का तरावी भी छोड़ने लगा लोग। अर्तगुल, हां भैया आप मुस्कुराइए नहीं, हकीकत आप भी देखते होंगे। अर्तगुल गाजी, अरे हम ईशा का नमाज पढ़ के तरावी पढ़ के जब वापस होते थे ना तो खाली एकदम वही म्यूजिक ही चलता था। अब बताइए कि अर्तगुल गाजी का उद्देश्य यह था कि आपके पूर्वजों ने समाज की बेहतरी के लिए और अपने प्रचम को जिंदा रखने के लिए अपना कितना कुर्बानी दिया है, अपनी कितनी मेहनत दिया है, कितना शहादत दिया है, उस सीरियल के माध्यम से ये बताया गया था। लेकिन हमने इंटरटेनमेंट के एक जरिया उसे बनाया और अंत में इंटरटेनमेंट तक सीमित रह गया। एक भी अर्तगुल गाजी आपके घर में पैदा नहीं हुआ, एक भी अर्तगुल गाजी आपके घर में पैदा नहीं हुआ। पबजी खेलते हो खेले तुम लोग? खेलता है नहीं ना? आंदोलन छिड़ा झारखंड में, पता है तुम लोग? नहीं ना? कहां से पता लगा? कुछ जा। अच्छा आप कहां रहते हैं? प्रदेश का क्या नाम है जिस राज्य में रहते हैं बोलो? झारखंड मालूम है ना? लेकिन झारखंड में आप लोग क्या करेंगे? नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं? पढ़ाई करते हैं ना? करते हैं? गारंटी दे सकेंगे कि मुझे नौकरी होगा? नहीं होगा। ऊपर ऊपर जाकर लड़ाई लड़ोगे? लड़ाई क्या लड़ेगा हमारे नौजवान? यहाँ चचा भतीजा में नहीं पट रहा है, खाला और मौसी उसमें नहीं पट रहा है, चाचा चाची में झगड़ा है। लड़ाई करना था राज्य के लिए, लड़ाई करना था देश के लिए, लड़ाई करना था अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए। दो डिसमिल जमीन में गोतनी गोतनी लड़ जा रहा, और वो भी तनी मनी ने एकदम झोटा झोटी लौटा। वाह वाह, ई गोतनी ओकर गोतनी उसको चपाट चट चटा चट, सदर साहब आ गए, सेक्रेटरी साहब आ गए। ये सब नहीं करना है, इससे मुआशरा खराब होता है। नलिया उधर से पार हो गया तो काहे नलिया हमारे बेटा पार कर लो, और तरफ काहे पार हो लो, एकदम लड़ गया सुल्ताना जफराना अफसाना सब पटका पटकी लड़ गई। सब नहीं करना है, समाज में सब आम हो गया। लड़ाई लड़ना है आपको क्षमा बहन के तरह राज्य के लिए। कल दिन ये शहीद भी हो जाएगी तो इनका नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। आप सब तैयार होइएगा, आपको तैयार होना है और बेहतर समाज की कल्पना करना है और बेहतर समाज के लिए आपको अगुवाई करना है। इंशाल्लाह आपका समाज, हमारा समाज बहुत पिछड़ा है। कभी हम रात में सोते हैं, 3 बज जाता है रात सोते सोते, चिंता के साथ में इतना फोन इतना टेलीफोन आता है कि मैं बता नहीं सकता। और हमेशा हम लोग अभी किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। जयराम महतो जी हमारे इस राज्य के लिए लड़ाई लड़े, इस राज्य के लिए अगुवाई कर रहे हैं कि आखिर हमारा परिचय क्या है, आखिर पहचान क्या है। हम भी आए हैं, कल मर जाएंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ देंगे लोग, लेकिन उससे कल्याण नहीं हो जाएगा। हम खुद हिसाब नहीं दे पाएंगे मौत के कि जीवन में हमने किया क्या, जिंदगी में हमने किया क्या। हम भी गुनहगार हैं अल्लाह करे, लेकिन इस बात को कहकर जाएंगे कि जब एक अक्षर लिखा जाएगा, जब खुद हमें जब हमें 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 हमारा खतियान जब मिल जाएगा, हमें इस राज्य का डोमिसाइल नीति मिल जाएगा, तब एक बार हमारे नाम को लिया जाएगा कि जयराम महतो के साथ में रिजवान अंसारी भी लड़ाई लड़ रहा था। आप गर्व के साथ कहेंगे
कि हमें झुटलाया नहीं जा सकता है। जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो क्षमा बहन ने भी अपनी तैयारी को मुकम्मल किया था, आपका साथ दिया था। इसीलिए आपको कहने के लिए आए हैं कि आप तैयारी कीजिए और बड़े तैयारी के लिए आगे आइए। अब हम लोगों ने तैयारी सीधे लोकसभा के लिए किया है, आप भी तैयारी कीजिए कि अब बाहरी नेता को चलने नहीं देंगे। अब अपने घर के बेटे को आगे लाएंगे, चाहे एमएलए की बात हो, एमपी की बात हो, हमारे घर के लोग आएंगे, अपने बेटे को चुनकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे, असेंबली भेजेंगे, रांची भेजेंगे और दिल्ली भेजेंगे। कुछ लोग कहेंगे आपको कि अरे वो बहन लोग शम्मा का तो ताने वाले, हम मुआसरे में रहते हैं, हम देखे हैं बहुत करीब से, समाज में ये आम है, करनी धरनी तो कुछ है नहीं, 0/0 बैठ के गली के चौराहे में नौजवान टाइम पास कर देगा, लेकिन समा बहन जैसे समाज की बात को रखेंगे ना तो इन्हीं को लोग कहेंगे अब तो नेतान बने चल शम्मा, ये बात कहेंगे। और ये सत्य है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता है मेरे भाई। अगर कोई समाज, कोई मुआशरे से आपका बेटा या आपकी बेटी आगे आना चाहती है समाज की बेहतरी के लिए, तो अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि इस समाज के बढ़ते हुए कदम को और हमारी बहनों के, हमारे बेटों के बढ़ते हुए कदम को कोई और नहीं, दिल्ली से रोकने के लिए, रोकने के लिए नहीं आते हैं। आपके समाज का बेटा, आपके समाज का मुआशरा उस कदम को रोकने का काम करता है, कहता है कि अब तो ये सब नेता बनेगा। अरे भाई क्यों नहीं बनेंगे नेता, क्यों नहीं जाएंगे असेंबली, क्यों नहीं जाएंगे दिल्ली, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी बात करते हैं, हम भी अपने समाज की बेहतरी के लिए आ सकते हैं, आगे आशीर्वाद देने का काम करिए, दुआ देने का काम करिए, अब हम लोग गाथा को लिखेंगे और अपने समाज की बेहतरी के लिए आगे आएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस समाज के लिए तैयारी कीजिए, समाज के लिए बेहतरी के लिए तैयारी कीजिए और कहिए कि अल्लामा इकबाल जैसा शायरी मुझे बनना पड़ेगा तो हम बनेंगे, महेंद्र सिंह धोनी जैसा क्रिकेटर मुझे बनना पड़े तो बनेंगे, महात्मा गांधी जैसा भी अगर हमको शख्स बनना पड़े तो बनेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसा नेता मुझे बनना पड़े, सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता मुझे बनना पड़े तो बनेंगे, तैयारी करेंगे और समाज को रोकेंगे। अफसोस के साथ इसको कहना पड़ा कि आज हमारे मुस्लिम भाई, मुस्लिम नौजवान जब ब्लॉक में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने जाएंगे ना तो दलालों का चक्कर काटना पड़ता है, यही सच्चाई है। आपका बात वीडियो में डेवलपमेंट ऑफिसर जो रहता है वो नहीं सुनता है, डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाते हैं तो पहले चमचों से मुलाकात करना पड़ेगा, पहले दलालों से मिलना पड़ेगा, तब जाकर आपको वीडियो का दर्शन वो कराएगा, ये तस्वीर है आपका। अरे भाई वो सेवक है, उसे आपके लिए भेजा गया है सरकार के द्वारा, लेकिन आपको अपना मौलिक अधिकार तक नहीं मालूम, आपको मौलिक कर्तव्य क्या है ये नहीं मालूम, आपका संविधान क्या कहता है ये नहीं मालूम, आपको भारत की डेमोक्रेटिक बात क्या कहती है ये नहीं मालूम, आपको कानून क्या कहता है ये नहीं मालूम है आपको, तो वीडियो तो आपको भुलाएगा ही। अरे वीडियो तो छोड़िए, आप यदि बेदार नहीं हुए तो वीडियो तो बहुत दूर की बात, एक चपरासी तक आपको चपरासी से भी मिलने नहीं दिया, फिर से जाइए दलाल को पकड़िए, नया तरीके से जाइए और कहिए कि 100 रुपया दे रहे हैं वीडियो साहब से भेंट कर। अबुआ आवास कितने लोगों को मिला क्या? लेकिन अबुआ आवास नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि जन आशीर्वाद यात्रा और वो मुख्यमंत्री के द्वारा सुनियोजित तरीके से वो जो कैंप चलाया जा रहा था वो आपके यहां 2 बार लगा होगा, सरकार आपके द्वार क्या क्या कार्यक्रम चल रहा था वो आपके यहां भी कार्यक्रम चला होगा, लेकिन कार्यक्रम सिर्फ पन्नों तक सीमित रह गया, यही राज्य की तस्वीर है। लोगों ने मुझसे कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ लोगों ने मुझे फोन किया कि आप मुख्यमंत्री के खिलाफ बहुत बोलते हैं, हमने कहा कि चंपाई सोरेन जी से पूछिएगा, आप कहते हैं कि मुसलमान हितैषी सरकार है लेकिन उर्दू मंतब की जब बात आती है तब जुमे के दिन को छोड़कर संडे के दिन में स्कूल की छुट्टी होती है, यही आपका सरकार है, यही मुसलमान हितैषी सरकार है। आप कहते हैं एक तरफ कि हम
आदिवासी हितैषी सरकार है, हम आदिवासियों की सुरक्षा और रक्षा के लिए सरकार बने हैं, लेकिन जब आदिवासियों की सेवा की बात आती है तब करोड़ों करोड़ रुपए में यहाँ के नेता बिकने का काम करते हैं कंपनियों के द्वारा, खरीद लिया जाता है आपके नेता को। यही तस्वीर है आपके कार्यकर्ता की। हमारे एक नेता, हमारे एक क्रांतिकारी साथी जो आदिवासी समाज से आते हैं, जिनका नाम प्रेम माड़ी है, और उनके साथ साथ 11 आदिवासी महिलाओं को जेल के सलाखों के पीछे डाला, यही आदिवासी हितैषी सरकार है जो बार बार दुहाई देते हैं कि हम आदिवासी को आदिवासियों की सुरक्षा के लिए बने हैं, आदिवासियों की रक्षा के लिए बने हैं, लेकिन अधिकार की जब बात करने के लिए, अपने जमीनों की सुरक्षा के लिए, जब आदिवासी महिला घर से बाहर आती है कुल्हाड़ी लेकर अपने जमीनों की सुरक्षा के लिए, तब अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि आदिवासी बहनों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है और फिर कहता है कि इनके ऊपर FIR है, इनके ऊपर ये धारा दिया गया, ये धारा गया। भाई कितना बेवकूफ बनाओगे श्रीमान, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लज्जा करो कि ये प्रदेश हमारा है, इस प्रदेश के लिए हमारे लोगों ने अपने कुर्बानी को दिया है और आज तक कुर्बानी हम देते आए हैं, तब तक श्रीमान आप कुर्बानियां लेते रहेंगे। अब तो झारखंड के लिए नीति नियम बना दो, हमारे नौजवान सड़क पर है, हमारी माएं सड़क पर है, हमारी बहनें सड़क पर है, हमारे छात्र सड़क पर है, लेकिन आपने सड़क पर सिर्फ हमारी बातों को सुना है, सदन में इसकी आवाज नहीं हुई, सदन में आपने कह दिया कि 32 हमारा पहचान है, लेकिन मुझे बताइए मान्यवर के सदन में आपने पारित किया क्या? नहीं किया। आप कह देते हैं कि ये दिल्ली का मसला है, तो फिर राज्य सूची का मामला क्या है मुझे बताइए, राज्य सूची क्या कहती है मुझे बताइए। आप आदिवासी सरकार है, मैं आपकी सरकार में इस बात को पहुंचाना चाहूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि मुझे बताइए कि CNTSPT कानून जब अंग्रेजों ने तय कर दिया था, अंग्रेजों ने भारत को CNTSPT कानून दिया, उस कानून का उद्देश्य क्या था, उस कानून का मकसद क्या था? उस कानून का मकसद था कि यहाँ के आदिवासियों की जमीनों को सुरक्षित रखा जाए, आदिवासियों के लिए कार्य हो, आदिवासियों की जमीन को कोई खरीद नहीं सकता है। लेकिन मुझे बताइए आप कि सही आपके झारखंड प्रदेश में आदिवासियों की जमीन धड़ल्ले से लूटी जा रही है, कहां गया आपका कानून, कहां गया CNTSPT एक्ट? अंग्रेज तो इससे बेहतर थे, अंग्रेज का शासन इससे बेहतर था, आप अंग्रेज से भी बदतर है श्रीमान। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि अधिकाल होता है हर वो दिन चला जाता है तो घमंड वाला दिन जाता है। हमने कहा था कि आपका नशा कितना भी हो उतर सकते और घमंड कितना भी हो टूट जाता है, ये तैयारी आपको करना पड़ेगा। आज आप कहां हैं? आज आपको सत्ता मिला है तो अपने बेटे को आप सत्ता देने का काम किए हैं। मुख्यमंत्री के बेटे को मैंने सुना है कि बड़ा रंगबाज बनते हैं वो किसी के नहीं सुनते हैं। हमने कहा था कि घमंड कैसा भी हो टूट जाता है और नशा कैसा भी हो उतर जाता है मेरे भाई। इस बात को याद रखिए, इस बात को याद रखिएगा। मुख्यमंत्री महोदय साहब, साफ शब्दों में कह देना चाहते हैं कि आपका सरकार, आपने घोषणा किया था कि सही सुनील महतो के हत्यारों को हम फांसी देंगे, कहा गया आपका वादा। आज आपकी सरकार बहुमत पे है, आप बहुमत की सरकार पर सत्ता में काबिज है, आप सब सुनील परिवार को न्याय दिलाएंगे। सुनील महतो के दहाड़ कभी झारखंड में दहाड़ा करता था वो शेरे झारखंड, सुनील महतो को मार दिया जाता है, कहां सरकार है, कहां आदिवासी सरकार है? आपने कहा था बहुमत के साथ सरकार आएगी, निर्मल महतो के हत्यारों को सजा देंगे, दिया गया आपने, नहीं दिया। कहां गया आपका न्याय, कहां गया आपका न्यायपालिका? मैं आवाज लगाना चाहूंगा कि झारखंड प्रदेश में शहादत देने वाले अब शहादत नहीं देंगे, पड़ेगी तो आप तैयार करेंगे। ये तैयारी हमारी है, ये आपके बाप का प्रदेश नहीं है, यहाँ के लोगों ने अपने पसीने से, यहाँ के शहीद के परिवार ने अपने खून से इस राज्य की रचना किया है, अपने शहादत को दिया है। वक्त हमें इसकी इजाजत नहीं देती है, मगरिब का वक्त होने वाला है। आपने हमारी बातों को सुना, आप महुआ देने का काम किया, पर्दे के पीछे से हमारी प्रधानसी माँ और बहनों से भी इस बात को कहकर जाएंगे कि आप दुआ देने का काम करें, पर्दे के पीछे से ही दुआ दे। लेकिन कहा जाता है कि दुआ, हम लोग भी जब घर से निकलते हैं तो अपनी माँ की दुआ को साथ लेकर निकलते हैं, कोई दुनिया की ताकत मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे साथ माँ की दुआ साथ चलती है।
इंशाअल्लाह हमारी बहन समा बहन और उनकी पूरी मंडली ने हमारा सहयोग किया, हमारा हिम्मत बढ़ाया, हमें हिम्मत दिया, हमारे ऊर्जा को चार चौगुनी दिन मजबूती के साथ देने का काम किया है, हमारे हिम्मत में इजाफा करने का काम किया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ हमेशा, इंशाअल्लाह जब तक रहूंगा आपका शुक्रगुजार रहूंगा और इंशाअल्लाह फिर से आपके बीच में आएंगे। बस इसी बात को कहकर जाएंगे कि कांग्रेस का गुलाम नहीं बनना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आएंगे और कहेंगे कि बीजेपी वाला सत्ता धारण कर लेगा। आप कहिएगा कि इस बार आने दीजिए, खतियानी को हम लोग वोट देंगे, ना बीजेपी की बात होगी, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात होगी, ना कांग्रेस की बात होगी। खतियान पर जिन्होंने बात किया है उसी की जय जयकार होगी, उसी की जय जयकार होगी। अंत में सिर्फ इस बात को कहकर जाएंगे कि संघर्षों के छाए में निर्भीक जवानी चलती है और उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है, जिस और जवानी चलती है। और अंत में सिर्फ इस बात को कहेंगे कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाता है, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाता है, और हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाता है, और हम युवा हैं, हमें बदलने का प्रयास मत करो मेरे भाई, क्योंकि हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बातों को सुना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। धन्यवाद।